हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आज है शुक्रवार और मैं अपना ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी। मुझे मतलब मेरा तबीयत नहीं सही है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फीवर है मुझे। और आर्या आई तो मैंने कहा थोड़ा सा सर दबा दो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो शुरू कर दिया अपना ब्लॉग। एंड ब्लॉग में बने रहिए। देखिए मैं इस ब्लॉग का एंडिंग कब करती हूँ। ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग बताइए कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे ना कुछ तीखा तीखा खाने का मन कर रहा है। मेरा मुंह जैसे पानी पानी हो रखा है। जब भी मेरे सिर में दर्द होता है ना, ज़्यादा दर्द शुरू होता है तो मुझे फीवर आ जाता है और बहुत तेज़ गर्म है, ठीक है, और ठंड लग रही है। मेरा हाथ मैं धो के आई, थोड़ा हल्का ठंडा है और थोड़ा गर्म में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फेस पूरा जल रहा है जैसे कि। और यहाँ पे मैं सुबह आलू बनाई थी, आलू फ्राई करी थी, उसमें थोड़ा सा नमकीन डाल के वही मैं खा रही हूँ। मतलब मुझे बहुत तीखा चाहिए होता था, आज मुझे ऐसा लग रहा था बहुत तीखा खाने का मन है तो मैं वही खाना शुरू कर दी, ठीक है। तो यही है। और मैं सोच रही थी ना, मैंने बिंदी नहीं लगाया, मैंने बिंदी लगाया बट जिस कलर का लगाया वो छुप जा रहा था, ठीक है। वो यही सब है। और आप लोगों को भी ऐसा हो रहा है इस समय? शाम के 5 बज रहे हैं। इसको खा के ना दवाई खाऊंगी थोड़ा आराम होगा। गले का पट्टा रखी हूँ, 2 दिन में लगाई थी, फिर सोने गई तो निकाल दी थी, फिर अब चल रही हूँ लगाऊंगी, ठीक है। तो यही है। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय बाय। सो गाइस, मिस्टर जी आए, देखे तबीयत नहीं सही था तो बोले चलो दिखा देता हूँ, बहुत एक मतलब 2 महीने बाद दिखाना था तो दिखाने जाए गए। और वहाँ से उसके बाद जाने वाले थे कुकर लाने, बट कुकर बच्चों का फ़ोन आ गया, कुकर नहीं लिए, वैसे ही चले आए। फिर ऑनलाइन बुकिंग किए और ये देखिए 8 वॉलपेपर है, तो इसको मैं निकाल रही हूँ, निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है। और एक आरओ ने लिया है, वो वॉलपेपर है, तो उसको भी मैं कहाँ लगाऊँगी, जहाँ भी लगाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में तक बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे आर्या शूट कर रही हूँ, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कल मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने तेल रखा था, ठीक है। और ये देखिए, ये मैंने मंगाया है मीशो से और एक और मंगाया है मैंने, आप लोगों को दिखाया ना, पूरा नहीं निकाली मैं उसको, मैं मंगाई नहीं थी गलती से, मुझे लग रहा है ऑर्डर हो गया था तो मैं रिटर्न भी कर रही थी, रिटर्न का ऑप्शन नहीं था उसमें तो नहीं गया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसको भी लगा देती हूँ, ठीक है। तो उसको देखती हूँ कहाँ लगाना है। और इसको तो मैं सोच रही हूँ इस दीवार पे लगाऊंगी, सोफे के पीछे। मम्मी, यहाँ नहीं, एक ही जगह लगेगा, ठीक है। तो वही सब है। और वीडियो मिनट तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं और लगाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस दीवार पे मैं लगाने वाली हूँ और देखिए शुरू हो गया लगाना हम लोगों का। और यहाँ पे आरो, हम, आर्या और अभी मेरी काम वाली भी सब लोग साथ में मिलके इसको लगा रहे हैं, ठीक है। तो आरो लगा नहीं रहा है, सब बिगाड़ रहा है, यहाँ से वहाँ, इधर का उधर, पूरा इधर का उधर कर दिया वो, ठीक है। तो देखिए कि हम लोग कैसे लगाते हैं और किस तरह हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वॉल आर्ट।
ठीक है। तो ये लगाना बहुत इजी है, आप लोग भी मीशो से, मीशो पे भी मिलता है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, अमेज़ॉन पे भी मिलता है, तो आप लोग मंगा के इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो जो हाथ में आ रहा है कि छोटा सा है, उसी की हेल्प से हम लोग लगा रहे हैं। उसमें जैसा आकार बना है आप लोग अपना, मतलब अपने हिसाब से भी आकार दे सकते हैं कि जो भी बनाना है, जिस तरह बनाना है वो भी बना सकते हैं, बट हम लोग जैसा था वैसा ही बना रहे हैं। ठीक है, और आ रहा कुछ बात कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बात कर रहा है, क्योंकि मैंने उसकी जो, मतलब वो जो वॉइस है रियल, मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि उसमें गैस वाला भी आ गया, बेल बजाने लगा, काम वाली भी आ गई बेल बजाने लगी, तो फैन भी चल रहा था, तो उसकी वजह से मैंने उसको म्यूट कर दिया। ठीक है, तो यही है, थोड़ी सी ठीक होती हूँ नहीं कि फिर मैं ये उल्टा सीधा काम शुरू करना स्टार्ट कर देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा ही काम करूँगी। आज देखिए कितना हो पाता है, जितना हो पाएगा उसके बाद देखूँगी, नहीं तो फिर कल करूँगी, नहीं तो फिर आज ही करूँगी। और आज है सैटरडे का दिन, तो मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग पहले का मतलब पूरा कर दूँ, और कल के लिए एक भी ब्लॉग नहीं है, कल संडे है, संडे के लिए एक भी ब्लॉग नहीं, क्योंकि दो दिन मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। शाम को, शुक्रवार को शाम को मैंने थोड़ा सा 2-3 मिनट का ब्लॉग शूट किया था, और फिर मैंने सोचा कि वो ब्लॉग और ये ब्लॉग दोनों को मिला के ब्लॉग को कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो कोशिश तो यही है कि आज भी एक ब्लॉग बना लूँ, लेकिन देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और यही है, तो देखिए सब लोगों ने मिल के ये क्या किया, ठीक बना कि नहीं बना, ये वो, तब चलिए वीडियो बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, मैंने आज क्या किया मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और देखिए यारो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है। ये मेरा ब्लॉग कल का है, अभी तक मैंने एंड नहीं किया है इसका, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ और मैं दिखा दूँ कि जो मैं बना रही थी वो कैसा बना है, उसके बाद एंड कर देती हूँ। ठीक है, और आप लोग बताइए कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज है सैटरडे का दिन, ठीक है, और मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, ब्लॉग तो मेरा जा रहा था, बट वो ब्लॉग मेरा पुराना ब्लॉग था, वही जा रहा था। 2 दिन से मैंने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, अभी भी मैं दवाई खाई हूँ तब जाके आप लोगों से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उसको आर्ट है वो, ठीक है, तो वो मैं मीशो से मंगाई हूँ, और कितने का है, 200 का है। ठीक है, उसमें बहुत सारे वैरायटी आते हैं, तो मुझे जो समझ में आया मैंने वो लिया और मैंने वो बनाया। ये देखो, ये थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा मुझे और नीचे बनाना था,
अरे बोल रही थी और ऊपर पढ़ने के लिए, वो तो मैंने उतना ऊपर नहीं बनाया, ठीक है। तो यही है, ये मैंने और आर्या ने मिल के बनाया है। बढ़िया, क्या रे? ये मैंने और आर्या ने दोनों ने मिल के बनाया है, ठीक है। अच्छा लग रहा है। और अभी मैंने वॉलपेपर भी मंगाया हुआ है, उसको भी मुझे ठीक करना है, मतलब उसको भी मुझे लगाना है, लेकिन सोच रही हूँ आज लगाऊँ कि कल लगाऊँ, देखती हूँ। देखूँगी नहीं तो आज ही लगाऊँगी, ठीक है। और वो लगाऊँगी तो मैं अपना ब्लॉग दूसरा स्टार्ट करूँगी, उसमें लगाऊँगी, ठीक है। तो और मैं यहाँ पे पीने जा रही हूँ ग्रीन टी, और मेरा खाना पीना सब हो गया है। आज मैं खाना, मतलब खाना नहीं खाई हूँ, नाश्ता करी हूँ। नाश्ते में मैंने इडली खाया हुआ है। आज मिस्टर जी सबको इडली खिलाने लेके गए थे, बट मैं नहीं गई, तो मेरे लिए इडली आया है, तो मैं वही खाई। और फिर दवाई अभी को खाई, अब ये ग्रीन टी पी रही हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद फिर थोड़ा 5-10 मिनट आराम करूँगी, फिर देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं उसको बनाऊँगी। वहाँ पे कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को बनाऊँगी, तब बताऊँगी कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। उसको पहले साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ करने के बाद फिर उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस दिवाली पे मैं फ्लावर पार्ट भी लेकर आने वाली हूँ। 5 फ्लावर पार्ट मुझे चाहिए, ठीक है। एक 5 नहीं 6 चाहिए। तो मैं सैटरडे को नहीं, थर्सडे को मैं गई थी, फ्लावर पार्ट ले रही थी, बट बहुत महंगा दे रहा था, 1000 रुपये में 2 दे रहा था, तो इसके लिए मैं नहीं ली। मिस्टर जी बोले चलो मैं एक जगह ऐसा है जहाँ पे चलेंगे तो वहाँ पे सस्ते में और अच्छे में मिल जाएगा, तो देखते हैं वो मुझे कब लेकर जाते हैं। मुझे एक्चुअली दिवाली के लिए ही चाहिए, ठीक है। तो अभी दिवाली तो आ रही है, तो दिवाली की साफ सफाई भी शुरू करनी है, ठीक है। तो जो भी करूँगी, जैसा भी करूँगी, आप लोगों से शेयर जरूर करूँगी, ठीक है। इसी के साथ मिलती हूँ मैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।